श्रीवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा इस एस्ट्रोलॉजी सीरीज का ये लेक्चर नंबर 15 है, जो कि मैं आपको वक्री ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आपको मालूम ही है कि वक्री ग्रह के रिजल्ट्स के बारे में बहुत डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं अलग अलग ग्रंथ में, चाहे वो बृहद पाराशर हो, शास्त्र हो, मानसागरी हो, संकेत निधि हो, या बृहद जातका हो। हर ग्रंथ के अंदर वक्री ग्रह के डिफरेंट रिजल्ट बताए गए हैं इंसान के जीवन के ऊपर। इसमें वो मेरा टॉपिक अभी फिलहाल नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा कि वक्री ग्रह के रिजल्ट इंसान के जीवन में क्या होते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि वक्री ग्रह का मतलब क्या होता है। देखिए, आप इमेजिन कीजिए मित्रों, सपोज कीजिए कि कोई भी ट्रेन जा रही है या कोई भी कार जा रही है। अब ट्रेन अगर मान लिया जा रही है सीधी बहुत स्पीड पे, हाई स्पीड पे, और अचानक उसको ब्रेक लगाना पड़े, और ब्रेक लगा के अगर वो बिल्कुल बैकवर्ड डायरेक्शन में कि चलाने की कोशिश करेंगे तो ट्रेन के डीरेल होने के चांसेस हैं। चांसेस की 100% प्रोबेबिलिटी है वो डीरेल हो सकती है। अब इसी प्रकार से ये तो ग्रह है। अब जैसे देखिए कि ये आपका सन है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर एक ग्रह है, फिर इसके चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है, इस तरीके से डिफरेंट ग्रह घूम रहे हैं। तो मैंने लगाया कि ये सपोज कीजिए A1 प्लैनेट है, ये A2 प्लैनेट है, ये A3 प्लैनेट है। तो ये सब प्लैनेट्स वैसे इसकी ओर चल रहे हैं, इनकी दर्द वैसे लेके इसकी ओर वो घूम रहे हैं सारे सन के चारों। अब अचानक कोई प्लैनेट, इमेजिन कीजिए कोई प्लैनेट अचानक से इस तरह चलने की बजाय वापस चलना शुरू कर दे, तो अब ये सारे ग्रह सन से अपने अपने ऑर्बिट में एक पर्टिकुलर ग्रेविटेशन फोर्स से बंधे हुए हैं, और अचानक ग्रेविटेशन फोर्स को तोड़ के एक ग्रह वापस घूमना शुरू कर दे तो क्या होगा? सौर मंडल के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई इमेजिन नहीं कर सकता इस चीज को कि कितना बड़ा भूकंप आ जाएगा या कितना सौर मंडल में नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह जो मार्ग पर चलता है वो उसी पर चलता रहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों की डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इसकी स्पीड कुछ अलग हुई, जो सन के पास है इसकी स्पीड उससे कम हुई, इसी स्पीड उससे और कम हुई। तो डिफरेंट ग्रहों की डिफरेंट स्पीड की वजह से आपस में रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये ग्रह उल्टा चलना शुरू हो गए हैं। इसका मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एक पहले मैं देता हूं कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई ट्रेन है, उसका इंजन ने इस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, यहां पर हमारा इंजन लगा हुआ है, और एक ट्रेन यहां खड़ी हुई है इस पैरेलल लाइन के ऊपर, इसका इंजन इधर लगा हुआ है। अब होता क्या है, कई बार हमने देखा होगा कि जैसे ये ट्रेन चलेगी, ये ट्रेन आपस में आगे चलनी स्टार्ट हुई, तो हमको लगता है जैसे हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई है, जबकि हमारी ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, हमारी ट्रेन पटरी भी खड़ी हुई है। लेकिन हमें रिलेटिव वेलोसिटी के थ्रू, क्योंकि इसके इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ गया, दोनों स्टेशनरी थी लेकिन अब डिफरेंस आ गया, तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन भी आगे चलना शुरू हुई है, वो ट्रेन जैसे उधर जा रही है। या दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि सपोज कीजिए कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है, दोनों के इंजन एक ही साइड में है, लेकिन इसकी स्पीड है से 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है से 10 किलोमीटर पर आवर। तो होगा क्या कि दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस जो है। तो अब जब रिलेटिव वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर होगी, तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रेन इसकी वेलोसिटी कम है, ये ट्रेन लगता है सीधी जा रही है, और हमको लगता है इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को लगेगा कि ये ट्रेन बैक में चल रही है, क्योंकि चल उसी डायरेक्शन में रही है, लेकिन इस ट्रेन में बैठे हुए आदमी को यह लगेगा रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से कि यह ट्रेन बैक डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरीके से हमें एहसास होता है कि ग्रह हमारे वक्री होते हैं। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल और देना चाहूंगा जो कि सोलर मंडल से रिलेटेड है। सपोज कीजिए ये हमारा सन है, सन हमारा है, और हमारी अर्थ की पोजिशन ये है, हमारी अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में लगता है पूरा एक साल, यानी 365 डेज। सपोज कीजिए कि हमारा एक ग्रह है जुपिटर, जे मैंने इसको लिखा है कि जुपिटर ग्रह हमारा है, वो इस पोजीशन पे है अभी। एक पर्टिकुलर पोजीशन ये है कि जब धरती हमारी यहां पर है E1 पोजीशन पे और जुपिटर हमारा J1 पोजीशन पे है, तो हमें एक इंसान को हम देखते हैं कि इस प्लेन पे एक इंसान खड़ा हुआ है, हमें कैसा लगता है? तो अगर आप देखेंगे तो आप क्या है, ये जो चलता है ये वैसे ईस्ट की ओर चलते हैं सारे ग्रह, वैसे इसकी ओर चलते। अब जब पृथ्वी यहां पर है, ये यहां पर है जुपिटर, तो पृथ्वी और जुपिटर को जब हमने लाइन से मिलाया आपस में, तो मिलाने से आदमी को लगा
ये जीवन पॉइंट बना लेता हूं मैं कि यहां पर ग्रह है, पोजिशन है, यहां पर इसका वो आ रहा है, मैच आ रही है। अब सपोज कीजिए, क्योंकि जुपिटर की जो स्पीड है वो पृथ्वी से बहुत कम है, 12 टाइम्स कम है, जुपिटर को 12 गुना टाइम लगता है, सूरज के चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। तो होता क्या है कि पृथ्वी तो काफी खिसक जाती है आगे, E2 में पोजिशन बचली जाती है, लेकिन जुपिटर वहीं का वहीं, हमें लगता है कि वहीं का वहीं है। तो जब वहीं का वहीं लगता है, इस 12 स्पीड से कम है, जैसे मैंने ट्रिक एग्जांपल दिया था, तो जब इसको हम पोजिशन को मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, तो हमें लगता है कि पोजिशन जीरो टू पहुंच गई। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक भी हमारी लग रहा है हम लोगों वैसे इसकी ओर जा रहा है। सपोज कीजिए पृथ्वी यहां पहुंच गई, E3 पोजिशन पर आ गई। अब जुपिटर तो थोड़ा सा ही खिसकेगा, जुपिटर जब तक मन में यहां खिसक जाएगा J2 पे। तो E3 से अगर J2 को हम लोग मिलाते हैं तो ये J3 पॉइंट अगर आता है, तो यहां भी हमको लग रहा है कि ये ग्रह अभी सीधा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हमको। लेकिन मान लीजिए कि आपका ग्रह यहां इधर आ जाए या इधर आ जाए, किस पोजिशन पर आ गया, सपोज कीजिए E4 पोजिशन है, ये E5 पोजिशन है और ये E6 पोजिशन है, तब क्या होगा? तो E6 पोजिशन पर होगा तो J तो हमारा यहां तक पहुंचा था, थोड़ा यहां पहुंच जाएगा J3। जब J3 यहां आ गया तो E6 से मिलाएंगे, तो J3 करते हुए यहां जाएंगे, तो ये वापस हो गया, ये हमारी J4 पोजिशन आ गई। तो आप देख रहे हैं कि अचानक ही J2 J3 आगे जा रहा था, लेकिन अब J4 पोजिशन से वापस आ गई, तो आपको लगा कि ग्रह रेट्रोग्रेड हो गया। तो कुछ समय तक के लिए ये पोजिशन ऐसी आपको महसूस होती है कि ग्रह उल्टा चल रहा है, इस प्लेन से दिखाई पड़ता है, इमेजिनेशन ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी की पोजिशन फिर यहां पर आएगी, फिर यहां पर आएगी, फिर वो आपको आगे चलता दिखाई पड़ेगा, तो हम कहते हैं ग्रह अब डायरेक्ट हो गया। तभी यही बात आता है कुंडली में ग्रह अभी बकरी है और 2 महीने बाद ग्रह को डायरेक्ट कर दिया। तो इसी रीजन से होता है ग्रहों की, दोनों ग्रहों की पोजिशन के हिसाब से, क्योंकि हम पृथ्वी पे स्टेशनरी हैं, हम सोचते हैं सूर्य घूम रहा है, हम अपनी पृथ्वी की स्पीड को सूर्य की स्पीड मानते हैं, तो हम देखते हैं कि सूर्य की स्पीड के हिसाब से और दूसरे ग्रह की स्पीड के हिसाब से जो रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस है, उस डिफरेंस के हिसाब से हमें लगता है कि ग्रह सीधा घूम रहा है या ग्रह वापस चलना शुरू हो गया है इन्हीं पोजिशन की वजह से। तो दिस इज द ओनली रीजन कि जिसकी वजह से आपको लगता है बकरी है, अदरवाइज कोई ग्रह बकरी नहीं होता, कोई ग्रह उल्टा नहीं चलता, सारे ग्रह डायरेक्ट मार्ग पे चलते हैं, सिर्फ एक यही रीजन है रिलेटिव वेलोसिटी का जिसकी वजह से मैं लगता है बकरी ग्रह हो गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस अगले वीडियो में मैं आपको बकरी ग्रहों के इंसान के जीवन परिणाम के बारे में बताऊंगा। मित्रों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि वीडियो हौसला अफजाई हो। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।